केवल और केवल 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट लाइन धनी वन फ्रीडम कार्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मतलब जी पर शॉपिंग कीजिए और आपको एक भी पैसे का इंटरेस्ट रेट नहीं देना है। जैसे ही बात मुझे पता चली, मैं फटाफट गया धनी के वेबसाइट पे और धनी वन फ्रीडम कार्ड लेने के सारे डिटेल्स चेक करने लग गया। और इसके अगार्डिंग, वेबसाइट के अगार्डिंग, कंपनी के अगार्डिंग जो भी डिटेल्स वहां पे दिए हुए हैं वो तो मुझे अच्छे लगे और मैं अप्लाई करने ही वाला था। लेकिन चूंकि ये मैटर फाइनेंस का था, थोड़ा सा मैं और यहां पे रिसर्च करना चाहता था और इसके लिए मैंने क्या किए, मैं गया गूगल प्ले स्टोर पे, इसके रिव्यूज देखे और मेरे आसपास में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस कार्ड को पहले से यूज किया है, उनसे मैंने बात की। इसके बाद मैंने जो धनी वन का कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल लगाया और पूरे डिटेल से मैंने इसके बारे में बात की। और बात करने के बाद से बहुत से ऐसी हिडन बातें, छुपी हुई बातें सामने निकल के आई हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड की वो छुपी हुई बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और अगर आपको डिटेल में ये बातें नहीं पता तो आप धनी वन फ्रीडम कार्ड के लिए कभी भी अप्लाई ना करें, जानने के बाद ही करें। सो देखें कि क्या कुछ है इस वीडियो में, हम आगे आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो कि हमने धनी वन फ्रीडम कार्ड के वेबसाइट पे अवेलेबल जो इसके बेनिफिट्स हैं वो मैंने ओपन कर लिए हैं। और यहाँ सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो आप देख सकते हैं कि 5 लाख का क्रेडिट आपको मिल रहा है 0% इंटरेस्ट पे। और यही मेन चीज है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वो 0% आपका 40% से भी ज्यादा बनने वाला है। मतलब 0% ब्याज बोलकर आपसे 40% से भी ज्यादा ब्याज यहां पे लिया जा रहा है, चार्जेस लिए जा रहे हैं, जिसको हम आगे इसी वीडियो में कैलकुलेट करके आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहां दिया हुआ है कि पे इन 3 इजी EMI, मतलब जो भी अमाउंट आप इस कार्ड से खर्च करते हैं उस अमाउंट को आपको 3 आसान किस्तों में भरना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये 3 किस्त नहीं हो रहे हैं बल्कि 2 ही हो रहे हैं। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने शॉपिंग किया 6000 रुपए का, ओके, और वो 6000 की शॉपिंग आपने 1 जनवरी को की, तो आपको जो इसका पहला किस्त है वो 2 जनवरी को ही देना है, मतलब ठीक अगले ही दिन। भाई ये क्या बात हुई, जो आदमी अगले दिन पैसा दे सकता है क्या वो उसी दिन नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। मतलब ये कि आपके पास कोई भी परचेज करने के लिए आपका जो परचेजिंग अमाउंट है, जो भी आप खर्च करना है, आपको उसका 1/3 पार्ट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आगे के जो 2 किस्त बचते हैं उन्हें आपको 30 डेज के 2 इंस्टॉलमेंट में आगे भर देना है। अब बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे नो बैंक मैंडेट रिक्वायर्ड, मतलब ये कि किसी भी तरह की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत इस क्रेडिट लाइन को लेने के लिए आपको नहीं होती। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है और ये एक चीज मुझे अच्छा लगा इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे जो बेनिफिट है वो है एक्साइटिंग कैशबैक्स, यहाँ 2% कैशबैक ऑन ऑल एक्सपेंस, मतलब जो भी स्पेंड्स आप कर रहे हैं, जो भी खर्चे कर रहे हैं उस पे आपको 2% का कैशबैक मिल रहा है। मतलब ये इसे मान के चलिए कि 1000 रुपए का आपने खर्चा किया, 1000 रुपए आपने स्पेंड किए, तो आपको उस पे 2% का कैशबैक यहाँ पे मिल जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज जो है यहाँ पे हिडन है, जो कंपनी ने नहीं दिया है, वो ये कि ये जो कैशबैक है वो मैक्सिमम आपका 100 रुपीज ही हो सकता है, 100 रुपीज से ज्यादा कैशबैक आपको नहीं मिल सकता। मतलब आप चाहे 2000 रुपए करें तो, या 10000 करें तो, या 50000 करें तो, आपका जो अमाउंट है उसका मैक्सिमम केवल 100 रुपीज ही कैशबैक आपको मिल सकता है। आगे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं 0% हाईलाइट किया गया है, 0%। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 0% पे अब्बा समेत कुछ भी नहीं देना, फटाफट लो और सामान खरीदो, एंजॉय करो। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नो प्रोसेसिंग फी एंड अदर चार्जेज,
मतलब कोई भी प्रोसेसिंग फी और दूसरे जो चार्जेज हैं वो आपको यहाँ पे नहीं देने होते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है फ्लैट मंथली फी विद नो एडिशनल चार्जेज। फ्लैट एक मंथली फी आपसे लिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डिटेल्स कंपनी की वेबसाइट पे नहीं दी हुई है कि आखिर वो कितने चार्जेज ले रहे हैं, ये क्लियरली आपको नहीं बताते। वो आपको कब बताते हैं, मुझे भी बताया इनके कस्टमर केयर को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे डिटेल में बताया, जिसके बारे में हम आगे आपसे बात करने वाले हैं कि वो किस तरह के चार्जेज लेते हैं, कितने चार्जेज लेते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है फ्री धनी रुपे कार्ड। रुपे कार्ड है और इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है, इसको यूज करते टाइम जैसे दूसरे जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनपे 5% या 10% का आपको डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, ऐसा कोई भी बेनिफिट आपको इस पे नहीं मिलने वाला है। बहुत कम आपको डिस्काउंट, नॉमिनल आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। आगे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस टू डॉक्टर्स। वाह क्या बात है, मतलब ये कि आपकी फैमिली का पूरा जिम्मा धनी वन फ्रीडम कार्ड वाले उठाने वाले हैं। ओके, आराम से आप बैठिए, कोई भी बीमारी हो तुरंत वीडियो कॉल के थ्रू कंसल्ट कीजिए। क्या ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये केवल और केवल आपको डॉक्टर का एक्सेस देते हैं 30 डेज के लिए, केवल 30 डेज के लिए। और वो एक्सेस किसको मिलता है? केवल आपको, ना कि आपको वाइफ को, ना कि आपको आपके बच्चे को, भाई को, किसी को नहीं। अब सोचो यार, एक महीने में कितने बार बीमार पड़ोगे, कितने बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे लग रहा है एक बार भी नहीं। और एक महीने बाद उस पे भी ये आपसे चार्जेज लेंगे। अब आगे बात करते हैं इसके एक और लिमिटेशन की, जो कि इनके वेबसाइट पे मुझे ढूंढने पे नहीं मिला, हो सकता है हो भी बट मुझे नहीं मिला, और इन्होंने क्लियर इसके बारे में बताया भी नहीं जब इनके कस्टमर केयर से मैंने बात की। तो वो ये है कि आपका जो क्रेडिट अमाउंट होता है, क्रेडिट लिमिट होता है, उसका एक दिन में 10% से ज्यादा का खर्च आप नहीं कर सकते। मतलब ये कि 50,000 रुपए की अगर आपको क्रेडिट लिमिट मिली हुई है तो केवल 5,000 रुपए ही एक दिन में आप खर्च कर सकते हैं। अजीब हाल है यार, दूसरे क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा नहीं होता। हालांकि ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, कंपनी पहले ही बता रही है, कंपनी ये बता रही है कि ये क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा है, उससे भी अच्छा है, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं। भाई ये कौन सी बेनिफिट्स हैं? चलिए एनीवे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल अपने क्रेडिट लाइन का एक दिन में आप 10% ही खर्च कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि आखिर इस पे पेनल्टी किस तरह की लगेगी। तो पेनल्टी आपको बता दूं कि अगर आप टाइम पे अपना पैसा नहीं देते हैं तो जो भी आपका ईएमआई बनता है उसका 2% तक की का जो चार्ज होता है मंथली इंटरेस्ट रेट, उस पे ये लेते हैं, मतलब लेट फी के रूप में लेते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट उन्होंने वहां पे नहीं शो किया है। अब बात करते हैं इसके चार्जेज की, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके के चार्जेज कंपनी ले रही है और किस तरीके से यहां आपको 40% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है सब्सक्रिप्शन फी के रूप में, वो आप देखिए स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको केवल 5,000 का क्रेडिट लाइन मिल रहा है तो उसके लिए आपको मंथली 295 रुपीज देना पड़ता है, मतलब हर महीने आपको देना पड़ेगा। जिस महीने आप 5,000 लेंगे उसके लिए आपको 295 रुपीज पे करने ही पड़ेंगे, नहीं लेंगे नहीं करने पड़ेंगे। मतलब 5,000 के लिए आपका कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 295 रुपीज। उसी तरीके से आगे भी आप देख सकते हैं, 10,000 के लिए 353, 25,000 के लिए 589 रुपीज, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो लास्ट में आपका 5 लाख का अगर है तो वहां पे 2,123 रुपीज आपको यहां पे पे करना पड़ रहा है। सो दोस्तों, इसमें हम पूरे डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए कि 10,000 रुपए का अगर आप यहां पे जो है कि क्रेडिट लाइन आपको मिलता है, सो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ रहे हैं 353 रुपीज। तो ये कितना बन जा रहा है? ये बन जा रहा है आपका 3.53%, मतलब मंथली आपका बन रहा है 3.53% और एनुअल ये हो जा रहा है अराउंड 42%। अजीब बात है यार, मतलब ये कि आपसे ये एनुअल लगभग अगर हम बात करें तो 42% का इंटरेस्ट रेट सब्सक्रिप्शन रूप के रूप में ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन फी के रूप में ले रहे हैं केवल 10,000 रुपए पे। सो देखिए, अगर इसकी आपको कैपेबिलिटी है, इतना पे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो धनी वन फ्रीडम कार्ड से रिलेटेड या धनी लोन से रिलेटेड तो आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको उस मेल का आंसर देने की कोशिश करूंगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।